अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। आज के इस लेक्चर में हम अपना पहला जावा का प्रोग्राम देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से राइट करते हैं और उसको क्या उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो राइट योर फर्स्ट कोड इन जावा। सो आज हम एक सिंपल सा कोड राइट करने वाले हैं, एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जो कि हमें सिंपली एक आउटपुट दे स्क्रीन के ऊपर, जिसके ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तान जिंदाबाद। सो अगर हम ये प्रिंट आउट करना चाह रहे हैं, ये हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू जो कि हम जावा में राइट करने वाले हैं, तो एक्चुअली ये एक स्ट्रिंग है, जिसे स्ट्रिंग के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। अभी के लिए अगर ये एक स्ट्रिंग है, मतलब कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स है, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में सेंटेंस बोलते हैं। इस सेंटेंस को बताने के लिए कंप्यूटर को ये एक सेंटेंस है, तो हम क्या करते हैं, हम इसे कोटेशन मार्क्स के अंदर प्लेस करते हैं। मतलब जो हम चाहते हैं कि वो एज इट इज़ कंप्यूटर हमें डिस्प्ले करे, तो उस चीज़ को हम कोटेशन मार्क्स के अंदर ले आते हैं। मैंने डिस्प्ले क्या करवाना चाहता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैंने क्या किया कि मैं इसको एज इट इज़ शो करवाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, इसको कोटेशन मार्क्स के अंदर प्लेस कर दिया। अब कोटेशन मार्क्स के अंदर करने के बाद क्या है, मुझे इसे किसी फंक्शन को देना होगा जो कि क्या करे, इस चीज़ को उठाए और वो जो मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ उसकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर उसको डिस्प्ले कर दे। फंक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं पेरेंथेसिस, के पेरेंथेसिस स्टार्ट एंड पेरेंथेसिस स्टार्ट एंड पेरेंथेसिस क्लोज, के मैंने एक फंक्शन के अंदर इसको पास कर दिया जो कि क्या करेगा, इस चीज़ को पकड़ेगा और उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। मैं फंक्शन कौन सा लेना चाह रहा हूँ जो कि इसको आउटपुट करे, जो कि इसको डिस्प्ले करे, जो कि इसको प्रिंट करे। जावा के अंदर वो फंक्शन हमारे पास है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, के क्या करे, सिस्टम के ऊपर आउटपुट करे, सिस्टम के ऊपर प्रिंट करे, जो मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ उसकी जो आउटपुट स्क्रीन है उसके ऊपर क्या डिस्प्ले करे, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है। मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग ली, एक मैसेज लिया जो कि मैं डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, उसको मैंने एक फंक्शन के अंदर पास किया। प्रोग्रामिंग के अंदर, जावा के अंदर फंक्शन रिप्रेजेंट्स करता है जहाँ पे आपके पेरेंथिसिस आ रही होती हैं। किसी को फंक्शन का पहले कोई फंक्शन का नाम होता है, उसके बाद उसकी पेरेंथिसिस होती हैं, तो पेरेंथिसिस के अंदर हम लोग उसको कुछ वैल्यू पास करते हैं। हम सिंपली क्या करना चाह रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मतलब हम आउटपुट का कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो उस फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने क्या पास किया, जो मैसेज हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं विच इज़ पाकिस्तान जिंदाबाद। ये फंक्शन के अंदर पास कर दिया। जिस तरह हर लैंग्वेज की कोई ना कोई ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, कुछ उसके लैंग्वेज को राइट करने के कुछ रूल्स होते हैं, तो सिमिलरली जावा के अंदर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, तो उसको हम एंड करते हैं सेमी कॉलन से। जस्ट लाइक जैसे हम कोई उर्दू में कोई स्टेटमेंट लिखते हैं या पैराग्राफ लिखते हैं या कोई लाइन लिखते हैं या इंग्लिश के अंदर कोई सेंटेंस लिखते हैं, तो उसको हम एंड करते हैं विद फुल स्टॉप। उसी तरह जब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब हमने किसी स्टेटमेंट को ख़त्म करना होता है, एंड करना होता है, तो उसके एंड पे हम लोग सेमी कॉलन प्लेस करते हैं। हमने एक स्टेटमेंट लिख दी, एक फंक्शन राइट कर दिया जिसके अंदर क्या है, हमने एक मैसेज पास कर दिया जो कि हम क्या करवाना चाह रहे हैं, उस फंक्शन से आउटपुट करवाना चाह रहे हैं। अब ये फंक्शन तब काम करता है जब इसको हम किसी मेन फंक्शन के अंदर प्लेस करते हैं। अभी के लिए इट्स जस्ट इसको आप रिमेम्बर करेंगे एज इट इज़, लेकिन वन बाय वन हम अपने आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि व्हाट डज इट मीन बाय पब्लिक, और स्टैटिक का क्या मतलब है, वॉइड का क्या मतलब है, और ये जो स्ट्रिंग और ये ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज है, और फिर ये आर्गुमेंट्स का क्या मतलब है, इनके बारे में हम वन बाय वन डिटेल में बात करेंगे। जस्ट फॉर नाउ अभी के लिए इतना ही है कि आप क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो आपका प्रोग्राम, जावा का प्रोग्राम जब चलता है, तो जहाँ पे उसको मेन प्रोग्राम मिलता है, मेन फंक्शन मिलता है, वहाँ से उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। एग्जीक्यूट मतलब क्या है, उसे चलाना स्टार्ट करता है, उसको रन करना स्टार्ट करता है। ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यहाँ से आया, उसको हमने इसके बाद मेन एक फंक्शन है, और इसके बाद इसको हमने कुछ वैल्यूज पास की हुई हैं विच इज स्ट्रिंग आर्ग्स, आर्ग्स मीन आर्गूमेंट्स, और इस फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो रही है और इस फंक्शन की बॉडी
यहाँ पे ख़त्म हो रही है। और ये फंक्शन काम क्या कर रहा है, ये मेथड काम क्या कर रहा है, इसके अंदर एक और फंक्शन है जो कि क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का फंक्शन है, जो क्या प्रिंट करेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, जो कि हमने उसको स्टेटमेंट पास की हुई है और उस स्टेटमेंट को हमने एंड किया हुआ है विद सेमी कॉलन। ओके, सो ये फंक्शन, ये जो ये मेथड है मेन का, ये हमने राइट करना होता है किसी क्लास के अंदर, ठीक है। सो हमने क्लास बनाई जिसका नाम हमने रखा माई फर्स्ट क्लास, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, पब्लिक क्लास माई फर्स्ट क्लास, ये उसकी कुछ डिटेल्स हैं, ये हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि हम एक पब्लिक टाइप की क्लास बना रहे हैं। और पब्लिक जो हम क्लास बना रहे हैं उसकी टाइप क्या है, पब्लिक है, मीन्स कि ये कहाँ कहाँ से एक्सेस की जा सकती है। ये अगेन अभी के लिए जस्ट आप इतना याद रखें कि हम ये चीज़ राइट करेंगे एज इट इज़। सो इसके बाद आपने इसका नाम रख दिया कि माई फर्स्ट क्लास, उसका ये नाम आप कोई भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन इसकी कुछ नेमिंग कन्वेंशंस होती हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। सो पब्लिक, यहाँ पे पी स्मॉल है, पब्लिक क्लास माई फर्स्ट क्लास, और इस क्लास की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। इस क्लास के अंदर आपने क्या किया, मेन फंक्शन राइट किया, जिसके अंदर हमने क्या पास किया, जहाँ से आपका प्रोग्राम राइट होना स्टार्ट होगा, और इस प्रोग्राम इस मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या पास कर दिया, एक और फंक्शन जो कि क्या करेगा, कोई स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, जो कि हमने उसको पास की हुई है। सो ये था एक सिंपलेस्ट प्रोग्राम और सिंपल हमारी फर्स्ट जावा एप्लीकेशन। सो मीन्स के सिंपली हम पहले हम क्या करते हैं, एक क्लास राइट करते हैं, ठीक है, उसकी बॉडी स्टार्ट की और उसकी बॉडी एंड, और अब जो काम हम करना चाह रहे हैं वो हम इसकी बॉडी के अंदर लिखते हैं। और इसकी बॉडी के अंदर हमारे पास एक मेन फंक्शन होना ज़रूरी होता है, जहाँ से आपके जावा कंपाइलर को पता चलता है कि मैंने यहाँ से प्रोग्राम को चलाना है। सो हमने एक मेन का फंक्शन राइट किया यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसको कुछ आर्गुमेंट्स पास कर दिए। सो जस्ट फॉर नाउ इसके लिए इतना ही है। और इस फंक्शन की बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इस क्लास की बॉडी के अंदर ही पहले ख़त्म हो रही है। और इसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट पास कर दी जो कि क्या कर रही है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, वो क्या प्रिंट करेगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। सो ये था हमारा एक सिंपलेस्ट फर्स्ट जावा एप्लीकेशन, जिसमें हमने क्या किया कि एक हमने मैसेज प्रिंट करवाया विच इज़ पाकिस्तान जिंदाबाद। इसको प्रैक्टिकली हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से टेक्स्ट पैड के ऊपर हम यही प्रोग्राम किस तरह से राइट करते हैं और इसको कैसे कंपाइल किया जाता है और कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।